subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना महामारी के केसेस को देखकर जीवन अत्यावश्यक दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानों को बंद करने का निर्देश NMMC के द्वारा दे दिया गया है। अब इस बार लॉकडाउन होने से आर्थिक स्थिति को लेकर अब होटल व रेस्टोरेंट व अन्य दुकानदारों मालिकों को कई सारे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में श्वेता पैलेस रेस्टोरेंट के मालिक व नवी मुंबई होटल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष श्याम शेट्टी ने सरकार व प्रशासन से मांग करते हुए कहा है कि अगर सरकार लॉकडाउन कर रही है तो हम उनका पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार को भी पानी बिल, लाइट बिल, लाइसेंस में छूट देने की मांग करते हुए अपनी राय व्यक्त की है। ये लॉकडाउन वालों और इंडिया में लगा है ऐसा सुन ले, लेकिन स्पेशली मैं नवी मुंबई होटल ओनर्स एसोसिएशन का एक्स प्रेसिडेंट है। इधर तकलीफ क्या है, अभी जो गया साल जो हम लोग ने लॉकडाउन में इतना परेशान हो गया, इतना आदमी लोग को बिठा के खिला के उसके बाद अप्रैल मई में उन लोग को पूरा छोड़ के पगार बिगड़ ले के सब चले गए। उसके बाद गवर्नमेंट ने अक्टूबर में उन लोग ने चालू करो बोला तो हम लोग होटल चालू किया तो वहाँ से स्टाफ नहीं, सर्विस नहीं देख सकते। बहुत से लोग होटल तो ऐसा सेट होने के लिए टाइम लगता है। जिधर जिधर से जो आदमी लोग गया, मेन जो लोगों को लेके आया, वो तो करते करते अभी जनवरी तक, जनवरी में सब आदमी सेट हो गए। सेट होने के बाद अभी उसके बाद फिर अभी लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन लगाते तो कुछ कायदा कानून क्या है, क्या हिसाब से इधर लगाया वो किसी को नहीं मालूम। फॉर एग्जांपल अपना होटल में आके उधर कल बोलते बंद करो बोलते दम दाटी देते। ये डिपार्टमेंट वाले के पास भी कुछ भी नहीं है, उन लोग ने उनको खुद को नहीं मालूम कितना बजे से कितना। एक बार गवर्नमेंट बोलते हैं 8 बजे तक आप लोगों को सर्विस ये दे सकते हैं। जो टाइम में हम लोग 8 बजे तक देने का टाइम था फूड अंदर खाना पीना खिलाने का टाइम, उसके बाद उसको जो अगर 8 बजे नहीं बंद करेगा तो उसको 50,000 का जुर्माना लगाते थे। एक मेरे हिसाब से क्या है, जो कस्टमर आता है दारू पीने को बैठता है, जो उसका ड्रिंक्स करता है लिक्विड लेके बियर लेके बैठते हैं, उनके एक लिमिट होता है, वो रिलैक्स करने के लिए वो हिसाब से बैठ के होटल में पीता है। तो उसको जो पीने वाले को किसी को आधा घंटा लगता है, किसी को 1 घंटा लगता है, किसी को जो है, लेकिन हम लोग ने उसको 7-7:30 बजे को देने का बंद कर दिया। बंद करने के बावजूद भी अगर वो उठता ही नहीं है पीने को बैठा तो उसको ऐसा चाय नहीं है, नहीं तो कोल्ड ड्रिंक नहीं है, फटाफट पी लिया फिर निकल दिया करके, वो तो फिर पीने के हिसाब से ही पीता है। पीने के बाद उनको रिक्वेस्ट करके हम लोग कैसे भी करके बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के टाइम किसी को किधर 2-3 जगह में जो रेड हो गया है उनके पास 50,000-50,000 रुपये होटल वाले से जुर्माना किया, पेनल्टी मारा, 5-6 महीने 10 मिनट या 15 मिनट 20 मिनट जो भी है वो बाहर नहीं निकलता है। तो होटल वाला का क्या तकलीफ है, होटल वाला क्या कर सकता है, वो कस्टमर को उठा के सीधा बाहर फेंक नहीं सकते हैं। कस्टमर को कस्टमर ही है, उसको रिक्वेस्ट को उसको फोर्स करते हैं, तो जो रेड करने वाले से बात करते हैं तो वो नहीं उठाता है, तो हम लोग क्या करेंगे बोलते हैं, वो हमको नहीं मालूम, वो आपको पेनल्टी भरने का, अपने को वो पता नहीं है। ऐसे एक एक चीज़ का अपना तकलीफ ऊपर दब गए, दबने के लिए कितना दबेंगे, कोई धंधा करने के लिए वो दिन भर का 50,000 रुपया वो जमा नहीं बोला है, कैश में जो जमा आया उठा के फिर देना पड़ता। अभी उसके बाद वो अभी जो मंडे से फ्राइडे तक टेकअप मेनू का ये बताया उन्होंने, चलो ठीक है, लेकिन सब लाइन से सब होटल बंद करो, नहीं टेकअप नहीं कर सकते हैं, और आके सब धमधाटी दे के सब होटल बंद कराते। होटल बोलेगा तो पूरा दुकान न्यू बॉम्बे के जो भी दुकान व्यापारी लोग का सबका बंद करने का, उनके पास कोई ऑर्डर नहीं है, और क्या पास हुए कितना कितना बजे से कितना बजे तक कैसा करने का वो किसी का पास मिला नहीं है। ना अपना होटल वाले को कोई सर्कुलर भेजा कि ये टाइम तुम ये कर सकते हैं, ये टाइम से नहीं। हम लोग गवर्नमेंट का पूरा जो रिस्ट्रिक्शन है वो पालने को तैयार है, हम लोग ने कस्टमर को डिस्टेंस मेंटेन करने का, सैनिटाइजर्स वो सब करता है, करने के बाद जो हमारा जो तकलीफ है, अभी समझो लॉकडाउन कर दिया,
अपना होटल में 40-50 आदमी लोग काम करते हैं, वो आके अक्टूबर नवंबर के बाद एक 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 करते करते भी इतना आदमी हो गया, तभी उन लोग जाने का टाइम पगार पानी करके भेजा। वो आने के बाद अभी 3-4 महीने के अभी काम करने के बाद अभी हम लोग जाने का अभी कितना टाइम में क्या होता है वो इवन हम लोग को पता नहीं कि ये 30 तारीख तक लागू है कि आगे जाके लागू होता है कि वो कुछ मालूम नहीं है। अगर उनका जो पगार है वो थोड़ा तो उनको ऊपर से देना पड़ता है और उनका खाना पीना देना पड़ता है, उनको सब देख के रहने गिने का इतना सहूलत हम लोग होटल वाला को उनको अपना स्टाफ को अपना घर के हिसाब से उन लोग को पालते हैं। गवर्नमेंट इसके बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं है, तो उन्होंने ऑर्डर रहता है बंद कर देता है। बंद करने के बाद उनको अभी सब लोग निकल गया, निकलने का चालू हो गया है, सब के सब हमारे जो स्टाफ हैं नौकर है जो भी है जो एक एक 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 का सब आदमी लोग काम करने वाला है उसको अभी देना ही है। एक तो एक 15-1 महीने से धंधा ही नहीं है, जो लॉकडाउन के बाद जो टाइम है और टाइम रिस्ट्रिक्शन था कि इतने ही टाइम तक चालू करो, 8 बजे तक चालू करो, 9 बजे तक चालू करने का, ऐसा सब बार बार वो खुला धंधा करने को नहीं मिल रहा था। जब से अक्टूबर में उन्होंने अनाउंसमेंट किया तब से यही हालत। गवर्नमेंट से हम लोग इतना सब तकलीफ करते तो उनको हमारे को उनको सोचना चाहिए, हम ये आदमी लोग का उनका सब पगार पानी उनको रहना देने का करने के बाद तो उनका हमारा क्या होएगा। हम लोग को अब भी लाइसेंस फीस मार्च में लाइसेंस फीस सब लोग बनने का इतना तकलीफ था आधा है कि लाइसेंस फीस बनने का लाइसेंस का सर्कुलर ही नहीं आया, सर्कुलर नहीं आया ताबड़ तो उन्होंने उन लोग ने बोला कि नहीं वो लास्ट ईयर कितना भरना है। जो भी हम लोग उसके लिए कुछ तकलीफ जो है उसके लिए गवर्नमेंट हमारे ऊपर देखे कुछ तो उसको टैक्स में रिलीज करे या फिर लाइसेंस फीस में तो रिलीज करना चाहिए, हम लोग थोड़ा उसके ऊपर कंसिडर करना चाहिए कि कितना। चलो ठीक है, हम लोग पूरा मीटर चालू है, उस मीटर तो हमारे को बंद रखने से भी चालू है, आदमी लोग को बैठा के खिलाने का तकलीफ है, लोन है उधर इधर से सबके लोन है, कोई भी होटल वाला को लोन नहीं है ऐसा नहीं है, वो जो रिनोवेशन करने के टाइम कुछ ना कुछ करते हैं, वो लोन करने के टाइम उसका तो ये भी चालू रहता है, इंटरेस्ट चालू रहता है, बैंक का पैसा भरने को नहीं होता है, 7-8 महीना हम लोग होटल बंद रख के उसको चलाया, किस तरह से भी आगे जाके थोड़ा चालू होएगा काम करेगा होएगा करके। अभी फिर इस साल ये चालू है, 2020 तो गया पूरा, हम लोग का पैसा जो भी लगाने का लगा दिया, उसमें ना गवर्नमेंट अपने को इलेक्ट्रिसिटी में कुछ फर्क दिया, ना टैक्स रिडक्शन कुछ किया नहीं है, पानी का बिल नहीं कुछ फर्क नहीं किया, वो भी सब चालू, तो ये कहाँ तक हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। ये मेरा रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट इसके बारे में ध्यान देवे थोड़ा, ये होटल बंद होने से ही आपका लॉकडाउन का या फिर वो कोरोना का भाग जाएगा, रात को जो कोरोना है वो रात को ही आता है ऐसा ज़रूरी नहीं है, दिन भर इतना सब जगह में मार्केट में आपका ट्रेन में बस में सब जगह चालू है, उधर तो क्राउड भर भर के जा रहे हैं, तो आप जो हम लोग उसका जो पालन करने के लिए तैयार हैं, हम लोग को डिस्टेंस रखता है, उन लोग को पहचाने का सैनिटाइज वो सब रख के भी अपने को धंधा करने को नहीं दे रहे, ये तकलीफ तो हम लोग के ऊपर, ये जो अपना चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी तो देखना चाहिए थोड़ा कुछ हम लोग को उसके बारे में, हमारा तकलीफ का क्या है वो ज़रा सोचना चाहिए कि हम लोग किस तरीके से इसको पुल करे करके। ये मेरा सबके से मेरा विनंती है, आप ज़रा इसके बारे में हमारा स्टाफ के बारे में हमारा जो बैंक का इलेक्ट्रिसिटी का इसके बारे में कंसिडर करें, कुछ तो हमारे लिए बचाने का जैसा देखिए, ये हमारा रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लॉकडाउन की समस्या को लेकर मरीन सेंटर क्लब के डायरेक्टर कैप्टन पार्थो दास ने जानकारी देते हुए कहा है कि लॉकडाउन बहुत ही खतरनाक व हानिकारक है, सरकार को इस पर सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। ये जो लॉकडाउन हो रहा है जनता के लिए, देश के लिए और पूरा व्यापारी ट्रेड इंडस्ट्री कॉमर्स के लिए बहुत ही हानिकारक है। इस तरह से कोई पैंडेमिक को कंट्रोल नहीं किया जाता है। COVID-19 का कुछ टाइम नहीं है कि रात को 8 बजे से लेकर 7 बजे निकलने वाला है, तो ये जो टाइमिंग्स देखे हम लोगों का होटल्स हॉस्पिटैलिटी सब ट्रेड बंद करके रख दिया है, इसका असर बहुत बुरा पड़ेगा।
और अगर सेकेंड लॉकडाउन का वो लोग सोचते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा लोगों को हज़म करने में भी। नहीं भाई, देखिए जो बीच में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला था हम लोगों को, होप वी वे वेरी होपफुल कि थिंग्स विल स्टार्ट रोलिंग डाउन, आई मीन गो वेल, तो वो हिसाब से तो जस्ट शुरू ही हो रहा था कि फिर से उन लोगों का बहानाबाजी आ गया। और ये जो पूरा का पूरा चल रहा है अभी, हम लोगों को होटल इंडस्ट्री को एक्साइज में FL3 का हर साल का भरना पड़ता है 6.5 लाख के ऊपर, प्लस इन लोगों का मंथली एक छोटा मोटा फीस होता है, सब कुछ मिला के ऑलमोस्ट एनुअली 10 लाख रुपया भरते हैं खाली एक्साइज का। उसके बदले में हम लोग क्या कर कितना कमाते हैं उसके ऊपर फिर लॉकडाउन, लास्ट ईयर ऐसे ही बोल के ले लिया था जो लोगों ने भर दिया, फिर उसके बाद उसका कोई रेज ज़ीरो हुआ। जिन लोगों ने 10 लाख खर्चा करके भी लिया होगा, 8 लाख खर्चा करके लिया, उन लोगों का सेल 2 लाख भी नहीं हुआ कि फिर से बंद कर दिया। अभी देखिए जो मैं मिल रहा हूँ लोगों से, ट्रेडर्स लोगों से, फिर आई एम ऑल्सो मेम्बर ऑफ द होटल ओनर्स एसोसिएशन, इनका भी कहना है कि अगर ये फिर से कोई फर्दर स्ट्रिक्ट भी कंटिन्यू रहे तो पब्लिक इस बार रोड पर उतर आएगा और वही होगा, इट विल बी बियॉन्ड कंट्रोल। क्यों इसी तरह से एपिडेमिक रोका नहीं जाता है, क्यों इसका कोई फिक्स कुछ सिम्टोम्स नहीं है। अभी जिस बीमारी के बारे में कुछ पक्का जानकारी नहीं है, हर टाइम नया नया चीज़ होता है, नया नया वर्जन निकलता है, तो वैक्सीन जो बनाया उसके ऊपर भी लोगों को थोड़ा बहुत क्वेश्चन मार्क है। और सबसे अच्छा रहेगा अगर देश के लिए ये सरकार है तो ये पैंडेमिक का दूसरा पकड़ना पड़ेगा, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में होता है, वहाँ कोई लॉकडाउन तो है नहीं, अमेरिका सबसे ज़्यादा है, ये कहाँ वहाँ लॉकडाउन है। यहाँ पे हाइप ज़्यादा हो चुका है और इसी से लोगों को, देश को, ट्रेड इंडस्ट्री को बहुत ही नुकसान हो रहा है। देखिए आप किसी भी पब्लिक को पूछ लीजिए, अगर वो बोल्डली बोलना चाहता है यस, मनमानी ही चल रहा है। क्यों ये सेम चीज़ गोवा में क्यों नहीं है? लास्ट टाइम आई जस्ट मेट द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा, भगत सिंह कोशियारी जी, आई मेट हिम, वी वेर टूगेदर, तो बोलते गोवा में सब कुछ खुला है, सब चालू है। 1 तारीख को मिले थे हम लोग, 1 अप्रैल को, तो वहाँ बोला वो सब चालू है, कुछ भी नहीं है, यहाँ का लोग वहाँ भी जाता है, वहाँ का लोग भी यहाँ आता है, कोई तकलीफ नहीं है। गुजरात में इतना तो है ही नहीं कुछ, राजस्थान में लोग मीडिया बोल रहे हैं हाइप देके कि बहुत कोविड केसेस बढ़ गया, तो जितना बढ़ गया उतना मौत भी तो नहीं हो रहा है, तो इतना हाहाकार क्यों मची है? मेरे ख्याल से है, देखिए अभी अगर सही बात मैं बताता हूँ, कोविड को जितना दिन चालू रखेगा उतना दिन सरकार चलते रहेगी, अभी यहाँ का जो महाराष्ट्र का सरकार, अगर कोविड को फोर्सफुली आगे नहीं बढ़ा के अगर रोक लगाया जाए तो फिर इलेक्शन में उतरना पड़ेगा, इलेक्शन का रिजल्ट उनको अच्छा पता है हमारे से भी। तो जितना दिन कोविड का बहाना देके आगे बढ़ेगा उतना दिन वो राज कर सकेंगे। अभी टेलीविजन से लेके हर जगह पे मीडिया में मैसेज आ रहा है 100 करोड़ महीने का चाहिए होटल इंडस्ट्री से, ये कितने डिपार्टमेंट्स है, तो ये सब तो लॉस हो जाएगा अगर कोविड नहीं है तो। तो अभी कोई कन्विंस नहीं हो रहा है, अभी पब्लिक थोड़ा बोल्डली ओपन हो रहा है। तुर्वे में भी उस दिन बाहर निकल आए थे ट्रेडर लोग, नांदेड़ में ऑलरेडी पत्थरबाजी किया, डंडे तलवार सब निकाला। परसों का खबर है पंजाब में सब ट्रेडर्स लोग दुकान बंद करके तलवार निकाल के बाहर आ गया, बोला कौन सा 8 बजे 9 बजे बंद ही नहीं करेंगे। तो ये परिस्थिति देखने से आज बेहतर है कि धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो सिचुएशन, एक बैलेंस रहेगा, लेट द कंट्री सर्वाइव। ब्यूरो साई पवार, सुमित रेनो के साथ पंकज बिनोद सिंह, रिपोर्ट आवाज टुडे, नवी मुंबई। सब्सक्राइब टू आवाज टुडे, क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल बजिंग न्यूज़।